हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैक्ट इंग्लिश। आज हम दो ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं उनको समझने में, और लोग बागों को भी नहीं समझा पाते हैं। तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है आर और एन। इनका राइट यूज क्या होता है, जैसे कि आप सेकंड पर्सन कोई काम कर रहा है तो उससे काम आप देखते देखते कोई भी उससे पूछते हो, जैसे कि मान लो कि आपके दोस्त के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल देख रहा है तो आप देखते देखते कोई काम पूछते हो, तो हम एक क्यों यूज करते हैं आर यू, और जो भी आपका वर्ब होगी उसमें आई एन जी, ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपका दोस्त पानी पी रहा है तो आप पूछोगे आर यू ड्रिंकिंग वाटर, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वो पानी आप देखते देखते वो पानी पी रहा है और आप उसको देख रहे हो, तो देखते देखते अगर आप पूछते हो आर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वो काम वो कर रहा है तो वो रिप्लाई देगा, वो काम करते करते वो काम बता, जैसे वो पानी पी रहा है तो वो बोलेगा मैं पानी पी रहा हूँ, तो यू का आपको बताया गया यू का आई हो जाता है जब आप रिप्लाई देते हो। जैसे आपसे पूछेगा आर यू ड्रिंकिंग वाटर तो आप बोलोगे आई एम, क्या आप पानी पी रहे हो तो आप रिप्लाई करोगे मैं पानी पी रहा हूँ, तो यू का आई एम इसका हो जाता है, और आर का एम, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अगर नहीं पी रहा है तो वो बोलेगा आई एम नॉट, इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपको किसी पर्सन सेकेंड पर्सन के हाथ में जैसे मोबाइल चला रहे हो, आप पूछ रहे हो क्या आप मोबाइल चला रहे हो, तो बोलोगे आर यू यूजिंग मोबाइल, क्या आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चलाते चलाते बोलेगा मैं मोबाइल चला रहा हूँ, तो यू का आई हो जाता है और आर का एन, आई एम यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, नहीं चला रहा तो बोलते आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल। जैसे कि आप फैन है, ये आपका दोस्त फैन सर्व कर रहा है, तो आप पूछोगे इससे, आप देखते देखते उसको पूछोगे क्या आप फैन साफ कर रहे हो, फैन का जो धूल है उसको रिमूव कर रहे हो, तो आर यू डस्टिंग द फैन, आर यू डस्टिंग द फैन, वो बोलेगा आई एम डस्टिंग द फैन, ठीक है। जैसे कि आपका दोस्त, अब यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, तो अगर आप कोई मुझसे पूछता है क्या कर रहे हो तो आर यू, आर यू क्या आप लिख रहे हो, मैं कोई भी मेरा दोस्त आता है, कोई भी पर्सन आता है वो मुझसे पूछता है, देखते देखते पूछता है, क्योंकि देखते देखते कोई काम पूछना है तो हम यूज करते हैं आर का, आर यू बोलेगा आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग, तो मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, नेगेटिव बना सकते हो आई एम नॉट राइटिंग। अगर जैसे कि कोई भी पूछता है मुझसे, या फिर आप किसी से भी पूछ सकते हो, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी मुझसे पूछेगा, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी मेरा काम चल रहा है, मेरा काम प्रोग्रेस में है, तो कोई पूछे क्या आप पढ़ा रहे हो तो आर यू, आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग, तो मैं बोलूंगा मेरा काम चल रहा है, क्योंकि मेरा कहीं ये काम कंटिन्यूस है, ये काम प्रोग्रेस में, तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम
ठीक है, जैसे कि आपका फोन, आपके फ्रेंड ने आपको फोन लगाया और वो गाड़ी चला रहा है, तो आपको कुछ ऐसे लगा कि जैसे कि हॉर्न की आवाज आ रही है, या फिर रोड पर है, ट्रैफिक है, या फिर आपको बहुत सारे हॉर्न की आवाज, आप समझ जाते हो कि शायद ये गाड़ी चला रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आप गाड़ी चला रहे हो, आर यू ड्राइविंग, आर यू ड्राइविंग कार, तो बोलेगा मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो आई एम ड्राइविंग कार, आई एम ड्राइविंग कार। तो अगर आपको, आप कभी भी सिंपल वे में समझना है, तो अगर कोई भी काम कोई भी पर्सन करता है, तो करते करते अगर आप पूछते हो, तो आप यूज करोगे आर यू, जो भी काम हो उसमें आईएनजी लगाना है, तो फिर उसका रिप्लाई होगा आई एम। वो करते करते कोई काम बताता है तो आई एम जो भी एक्शन होगा वो यूज करेगा। तो आप इस तरह इनका राइट भी होता है यूज करने का, तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना बना के प्रैक्टिस करिए और इनका आपकी डेली लाइफ लाइफ में इनको यूज करिए, तो आप बिल्कुल राइट वे में और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में ये इंग्लिश सीख पाओगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।